everyone, assalamu alaikum. This is Ishfaq and me, and welcome back to my YouTube channel. के साथ जो कि है ईद व्लॉग। हर साल मुझे हद से ज्यादा रिक्वेस्ट आती है कि भाई कोई व्लॉग बनाओ या ना बनाओ, ईद व्लॉग तो जरूर आना चाहिए। तो मैं हाजिर हूँ मेरे 2023 के ईद व्लॉग के साथ। सो अभी 8 बजने वाले हैं और मैं थोड़ी देर पहले मगरिब पढ़ के आई, और ये आज का आखिरी रोजा था। अल्हम्दुलिल्लाह से सारे रोजे बहुत ज्यादा अच्छे गए, बहुत ज्यादा इबादत की। अल्लाह पाक हमारे सारे गुनाहों को माफ करे, हमारे सारे रोजों को कबूल करे, हमारी इबादतों को कबूल करे इंशाल्लाह। और मुझे, मेरे पूरे फैमिली में, आप लोग को और आपके पूरे फैमिली में हर कोई खुश रहे और आप सबकी नेक जायज दुआ कबूल करे अल्लाह पाक। सो अभी चांद रात हो गई है, सो चांद निकल आया है। मैं अभी जस्ट टाइप ब्लॉग बनाने से पहले मैंने जस्ट देखा चांद वहां पे, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं जो व्लॉग है वो अभी से स्टार्ट कर दूं और आप लोगों को भी चांद दिखा दूं। तो अगर आप ध्यान से देखोगे ये रहा चांद, माशाल्लाह कितना ज्यादा अच्छा लग रहा है ये। वाह, उधर देखो बम फट रहे हैं, इतने प्यारे दिख रहे हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। और क्लोज ले जाती हूँ, अब इससे ज्यादा क्लोज मेरा फोन लेके नहीं जा सकता, इतने फोन में इतना ही मिल सकता है बस। चलो हो गया, मैं सोची फ्रंट कैमरा करके भी चांद दिखा दूं, पर चांद यहाँ से तो बहुत छोटा दिख रहा है। आप सभी को चांद मुबारक, खुश रहिए। आप लोगों के रोजे कैसे गए मुझे जरूर बताइएगा। और कल है ईद फाइनली, जिसका हर इंसान को इतना ज्यादा इंतजार होता है, और स्पेशली गर्ल जो ईद के लिए एक महीने पहले से तैयारी करना शुरू कर देते हैं। मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं तो एकदम एंड मोमेंट में जाके जो मेरी तैयारियां होती है वो स्टार्ट करती हूँ एक आध दिन पहले। तो मैं बहुत ऐसी हूँ, मैं मतलब बहुत पहले से नहीं, मैंने अभी तक मेहंदी भी नहीं लगाई सोचो। तो मैंने सोचा क्यों ना आज के ब्लॉग में मैं मेहंदी भी लगाऊँ। आज मैं कम से कम बहुत साल बाद मेहंदी लगाने वाली हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना, वो राउंड वाली नहीं आती है, ऐसे ऐसे राउंड होते हैं, तो वो यहाँ पर लगा लूँ, फिर ये सब फिंगर्स में वो ऐसे फिल कर दूँ, मुझे वही अच्छी लगती है। नहीं वैसे तो और भी अच्छी लगती है, बट मैं सोची वो ईजी है जो मैं खुद से लगा सकती हूँ दोनों हाथ पे, तो मैं वो लगा लेती हूँ। तो मैंने मम्मी को रात को मेहंदी लगाई थी, कल रात को इतना ज्यादा बेखबर सो रहा है कि उसके हाथ नीचे लटके हुए, देखो देखिए बाप रे। और ये रहा ओरियो, मी आ जाए फिर देख लूँ मैं क्या क्या काम जो मेरे पेंडिंग है वो कंप्लीट कर लूँ, क्योंकि फिर मेहंदी लग गई तो फिर मैं वो नहीं कर पाऊंगी। मैं यहाँ पे थोड़ी बहुत सफाई कर रही हूँ और उसके बाद मैं लगाऊंगी जैसे मेरा काम कंप्लीट हो जाएगा। और वो जो लाइट है वो मुझे वहाँ पे बहुत ज्यादा अच्छी लगी, वो जो जितने स्टार्स पता है मैंने मियाओं पे लगाया था, अगर आपने पिछले पता नहीं कौन से वाला व्लॉग देखा होगा तो उसमें आपको दिखा होगा मैंने मियाओं पे लगाया था, बट फिर बाद में मुझे वहाँ पे अच्छा लगा तो मैंने वहाँ पे उसको सेट कर दिया है और ये काफी ज्यादा अच्छा लगता है। तो ये रही वो लाइट जो कि काफी ज्यादा अच्छी लग रही है, और आज मैं मेरे न्यू फोन से पहली बार व्लॉग बना रही हूँ, अच्छा लग रहा है। ये देखो मम्मी मेरे लिए बहुत सारी कोन भी लाई थी, पर मैंने दो ही रख ली, मुझे ज्यादा नहीं चाहिए, दो ही काफी है। मम्मा क्या लिखा है? कुछ नहीं, परेशान हो रही हूँ मैं। क्यों? अरे भूल गई थी, फिर वापस गई, फिर वापस लाई। आपको पता है मम्मा वहाँ पे चांद दिखा था और मैंने पहले फोटो खींच चुके हाँ, मैंने उधर चांद देखा और फिर मैं फोटो क्लिक करने के लिए गई तो गायब। तुम नमाज पढ़ रही थी ना उतनी देर में चला गया हाँ? मैं भेज दूँ, मेरे पास है, मैं वीडियो है, फोटो नहीं है मेरे पास। भेज रही हूँ, वीडियो में है ना? हाँ, बस फोटो क्लिक करने गई तो गायब। ये देखो मैंने कितने सारे लिए हाँ, देखो कलर आया नहीं, नहीं ये हाँ। ग्रीन है। मम्मा ना इडली मेकर लाए, इडली बनाने का, इडली नहीं बना रही हूँ। तो यहाँ पे सब कलर्स रखे थे मेरे और बाकी खाने पीने का सामान, तो मैंने हटा के ये अच्छा सा डेकोरेशन कर दिया जो कि काफी अच्छा लग रहा है। सब सेम है और बाकी सब यहाँ ओरियो भी सेम है। सो यहाँ पे मैंने कुछ इस तरह सजा दिया है, मेरा इंस्टा मिनी एक्स, होम पॉड और एलेक्सा रख दिया है, और यहाँ पे मियाऊ इसको डराती हूँ, अभी आ रहा है नो वन कम। आप डरे डरे हो? चांद मुबारक देखो आपने चांद नहीं, वहां से नहीं दिखते है ना? अच्छा ओ हाँ वहां से, वो सॉरी तो उल्टी दिशा रहता है। मैंने देखा था और जैसे ही मैंने वीडियो लिया तब तक था, जैसे मैंने पिक्चर लिया ना नुमान लेने गई उधर गायब, मेरा ही नहीं। फेस वॉश करके आई हूँ
और नुमान आ गया यहाँ पे, ये रहा ओरियो के साथ खेलने लगा है। मुझे तो टांग देख उसकी, टांग देख कैसे कैसे कर रहे हैं, इतने प्यार से ऐसे ऐसे हाथ करके लेते हैं, इतना तरस आता है। ये देखो मुंह कैसे बना रहे हैं, इतना तरस आता है इस पर। पूरी दुनिया में इससे मासूम बच्चा कोई है ही नहीं, ऐसे ही लगते हैं। हेलो कर दो सबको ईद मुबारक, ईद मुबारक कर दो जल्दी से। दिख दिख दे उसने हाथ खोला ईद मुबारक करने के लिए, देख फिर उसने ऐसे किया। तो उसका ये तरीका ईद मुबारक करना उसने कर दिया, ठीक है आप लोग भी उसको विश कर दो। मासूम ठन लग गया क्या बोला है, मैं बच्ची को क्या बोला है, हाँ निन्नी आई जोर से, हाँ मासूम बनने ट्राई कर लो। वैसे देखा जाए बहुत मासूम है, मिम्मी है जो मारता है। फिर अभी एक और नहीं आई है, खतरनाक लेडी, खतरनाक लेडी, इन दोनों को पिटती है वो। तो मिलवाया नहीं मैंने अभी तक इस ब्लॉग में उसको, तो मम्मी बेडशीट ले आए, बोले मेहंदी लगाओगे खुद से, तो ना फिर पूरी बेडशीट पे ना मेहंदी मेहंदी गिरा दूंगी मैं, लग भी गई फिर कलर उस पे आ जाएगा, इसलिए ये लगा देती हूँ। आपके लिए चादर नहीं मंगाई थी महाराजा जी, ये मेरी मेहंदी के लिए चादर मंगाई थी। महाराज पधार रहे दराके स्वराम से, सो मैं लगा रही हूँ बहुत 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 साल बाद मेहंदी, और मैंने सोचा क्यों ना मैं खुद से ही लगा लूँ। सो मुझे बस कुछ खास करना नहीं है, इसको कट करना है और फिर वो जो सर्कल वाली होती है ना, सर्कल बना के फिर इनको जो फिंगर्स पे ये होता है इनको फिल कर देना है और पीछे भी सर्कल बना देना है बस, और मुझे कुछ नहीं करना है। उसी में ही मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, तो हनुमान हेल्प कर रहा है शूट करने में। इसमें तो ज़्यादा करते हैं ना बिकॉज ऐसी निकलती है पहले, चॉकलेट तो लग रही है, चॉकलेट लग रही है, देखो ये मैं रेट करूंगा 10 out of 10। क्या सर्कल मेरा नहीं, ये पूरी मेहंदी तो उसमें क्या है बड़ी बात, कोई भी लगा ले ये वाली तो नहीं। मैं करूंगा ना, देखते हैं आपकी कितनी अच्छी होगी कितनी गंदी होगी। तो जीरो ही बोलेगा मुझे तो, मैं सच सच बोलूंगा इस बार, हमेशा जीरो ही बोलता है, मैं हमेशा सच बोलता हूँ, हमेशा जीरो बोलता है। अब बोल रहे थे फिंगर्स पे सर्कल बनेगा, सर्कल नहीं फिंगर्स फिल होती है ऐसे करके, बीच में सर्कल बनता है। टाइम जो रोज होता है क्या 9:30 साढ़े नौ 9:30 अच्छे से फिल कर लूं, कटपट कटपट हम बचाए और फिर इधर के भी बचे हैं। सो देखो मैंने इतनी लगा ली है और पीछे भी लगा ली है, पीछे बस मुझे सर्कल और डॉट 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 लगाना है। मैं सोच रही हूँ यहाँ पे भी मैं डॉट 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 लगा लूँ, क्योंकि ये काफी सिंपल लग रहा है और उससे अच्छा भी लगेगा। तो देखो मैंने कुछ इस तरह लगा ली है और ये बहुत अच्छी लग रही है मुझे, सिंपल सी सोबर सी नाइस। ओके तो मेरी हालत आप देख सकते हो इतने टाइम बाद, ये बहुत इजी है बट फिर भी मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगा बिकॉज वो एकदम परफेक्ट चाहिए था और इसलिए मैं इतना अच्छा सर्कल बनाई थी और वो भी खराब हो गया। कोई नहीं चलता है, इधर का मस्त है, अभी सूख गया। ये वाला भी मैंने लगा दिया है, सोचो लेफ्ट हैंड से मैंने ये लगाया इतना अच्छा, राइट हैंड से मैंने इतना प्यारा लगाया था जो कि खराब हो गया। टाइम बाद मेहंदी लगाई है तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी, सिंपल और अच्छी है। तो कैसी लगी मेरी मेहंदी आप लोग बताओ, और मेरा हाल देखो, और देखो पूरा बेड क्या कर दिया ये। मम्मी देखे डांटेंगी तो मैं जल्दी बल्दी साफ कर दूँ। मैंने खाना खा लिया अभी और मैं जा रही हूँ सोने। खाना खाने के लिए मैंने ये निकाला था बट देन मम्मा ने अपने हाथ से खिला दिया, तो इसी बहाने मैंने आज मम्मी के हाथ से खाना खाया और मैंने खाए छोले और पूरी जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी थे। तो अब मैं जा रही हूँ सोने और मैं मिलती हूँ आप सबसे कल जो कि है ईद वाला दिन। तो सी यू टुमारो, बाय। कल तक ये रच भी जाएगी तब तक। तो मम्मी ने ना मुझे सुबह सुबह काम दिया है कि सारी इलायची तोड़ दो, तो मैं इसको तोड़ूंगी और फिर बीज अलग कर दूंगी और फिर उसके जो छिलके हैं वो अलग कर दूंगी। अभी थोड़े और बचे हैं, मम्मी उधर काजू कट कर रहे हैं। पूरा काम कर लिया है और मम्मी को मम्मी को देख के आती हूँ। अरे मम्मा ये
ये क्या आ रहा है? दूध बन रहा है। इधर बना शीर कुरमा, कितना टेस्टी लग रहा है। इतना सारा मम्मा। Hey everyone, अस्सलाम वालेकुम, आप सभी को ईद मुबारक। मैं, आप, मेरी फैमिली, आपकी फैमिली और सब लोग हमेशा खुश रहे, अच्छे से एंजॉय करें ईद। आप लोगों की ईद कैसी जा रही है? आई नो मुझे बहुत लेट हो गया आज उठने में भी, क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा लेट उठी और फिर उठने में, और उठने के बाद मैंने बहुत सारा आज काम किया। आज हमारी मेड नहीं आई बिकॉज ऑफ ईद, उनकी छुट्टी थी तो सारा काम मुझे और मम्मी को करना पड़ा। मैंने पहले इलायची काटी, फिर मैंने कपड़े भी सुखाए, फिर मैंने झाड़ू भी दी, और मैंने क्या किया, हाँ मैंने पूरा डस्टिंग किया घर का, मेरे कमरे का भी खाली कर दिया था, पर हॉल का मैंने डस्टिंग किया। नुमान, हाय नुमान, अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। कैसा आप? ये आपका ईद का आउटफिट, वाह दिखा दो सबको, ईद का ड्रेस आपका, अरे वाह चमक रहा है ये तो। मम्मा लाए ईद का आउटफिट, वाह बाल कट कर रहे हैं, हाँ इसलिए छोटे लग रहे थोड़े से। ऐसा बेटा रेडी भी नहीं हुई, सोचो कितना, दो बजने से भी ज्यादा हो गया है, 3 बज गया है। मैंने बहुत सारा काम किया और फिर साथों साथ मुझे व्लॉग भी बनाना था और फिर उसके बाद रेडी भी होना था। सो ये सब बहुत छोटे बच्चे ईद ही नहीं देते, दूर आओ दूर आओ। नहीं 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 नहीं, पापा ने दी, मुझे चाहिए ही नहीं। अरे मुझे नहीं चाहिए, ईदी को मना नहीं करती। नहीं मैं तो मना करती हूँ, सभी मना करते हैं। नहीं नहीं मैंने तो आपको अभी तक ईदी भी नहीं दी। हाँ तो नहीं बच्चों को नहीं, नहीं पहले बड़े देते हैं फिर बाद में देते हैं छोटे। और मुझे आपसे इतनी सारी ईदी नहीं चाहिए। पापा ने दी, मैंने नहीं, नहीं। मुझे नहीं चाहिए। अरे लूंगी नहीं, ले वापस। मैं लूंगी नहीं, अरे नमन मारूंगी, वापस लो, वापस लो, लो वापस, चल ठीक है। मम्मा कब मिलेगी मुझे ईदी? इतना सारी ज्वेलरी ला के दी, वो ईदी नहीं होती, आज के दिन अलग ही मिलती है। वो देखो वो कैसे भागी। गाइस ये रही छोटी सी हमारी नई मेहमान, इसका नाम चेंज करना है वैसे। ये तो दुनिया की सबसे सीधी बिल्ली है आज तक हमारे घर में, सबसे सीधी, दुनिया की सबसे सीधी बिल्ली। देखो कहाँ पे बैठा है, कितने प्यार से, ये सबसे सीधा बच्चा है, सबसे भोला बच्चा है, सबसे शैतान, वो बहुत शरारती है। और ये मम्मी यहाँ बैठा है, आई 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 आई, ये दिख 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 दिख, कितनी जोर से भागी, अब पकड़ो उसको, उसके अंदर घुस गए, निकालो उसको वहां से। कहाँ दिखी दे रही है, वो रही हो रही परेशान। देखो तो ये हमारी छोटी सी नई मेहमान, और ये अभी तक की हमारी सबसे शरारती बिल्ली है, एक कितनी शरारती है, पकड़ने में भी आपको पता चल गया होगा कैसी बिल्ली है ये, इतना ही ज़्यादा परेशान करती है, इतना ज़्यादा कूदती है, खेलती है, भागती है, और इन दोनों को मारती भी, बेचारे मेरे छोटे बच्चे पिट जाते हैं इससे, किसी से नहीं डरती है। इसके अंदर बैठ गए, झूला ही खुद, हाँ उसको पता है, मैंने उसका झूला बना दिया है। उल्टा है, उल्टा है, उसे देखो कितना मजा आ रहा है। चलो बाय लिली, बाय मिमी, बाय बाय ओरियो। इसकी पहली झलक से ही पता चल गया होगा आप लोगों को कि ये कितनी मस्ती हो रहा है, बहुत ज्यादा बदमाश है। छोड़, अरे छोड़ो। फिर भी नुमान थोड़ा मेरा साफ सफाई कर रहा है, मैंने इसको बोला सॉरी, मैंने पूरा कर लिया काम। अभी जब मैं व्लॉग बना रही हूँ तो मैंने देखा कि मेरा और मुझे बहुत ज्यादा लेट हो रहा है रेडी होने में, तो मैं जल्दी से रेडी होंगी, तो मैंने बोला जब तक नुमान क्लीन कर दे। नुमान पूरे में स्प्रे डालते है, जहाँ पे गंदा है वहाँ पे नहीं। फिर मैं जल्दी से अभी मेकअप कर लूँ, निकल गई वहाँ से। आप लोग कमेंट में बताओ इसका नाम क्या रखा जाए, फिलहाल तो इसको लिली बुलाते है, पर बाद में क्या बोले इसको। बस का जितना हाइट पहुंच रहा है उतना ही कर, यहाँ पे दिख रहा है कैमरे पे ना, यहाँ पे कुछ तो है। हाँ गुड जॉब, तुझे अच्छी ईदी मिलेगी आज। थैंक यू नुमान, पता है कमेंट में क्या बोलते हैं, मैं अपने भाई से काम ही करवाती रहती हूँ, मैं तुझसे कराती हूँ, तू खुद भी करता है ना अपनी मर्जी से। मैं आपसे करवाता। बोल उनको, वो लोग समझते हैं कि मैं तुझसे काम करवाती रहती हूँ, मेरे साथ मजा आता है काम, आपको मजा आता है ना, तो फिर बोलो, अब आप लोग बोलो मैं काम कराती हूँ, तो वो खुद बोल रहा है टाइम पास हो जाता है।
मैं नहीं कराती, उसको खुद अच्छा लगता है मेरा काम करना, मेरे ब्रशेस धोना और मेरा भी क्लीन करना। थैंक यू, गुड गुड। अरे डरी भी नहीं कैसी बिल्ली है ये, डरती नहीं है। आज का दिन मेरा कैसा जाएगा? हमेशा की तरह ईद में सिंपल घर पे रहना, तैयार होना और पिक्चर्स वीडियोस क्लिक करना और आप लोगों के लिए अपलोड करना और शीरकुरमा खाना, खाना पीना खाना और ईदी लेना और इन लोग के साथ। तो नीचे जा रहे हो नानी घर? ठीक है, बाय, अल्लाह हाफिज़, बाद में आना, ठीक है, टाटा। नुमान जा रहा है नानी घर और ईदी लेने खाने पीने, बाय। ईदी नहीं लेता किसी से, मालूम है, बिल्कुल नहीं लेता था। हाँ पहले तो बिल्कुल भी नहीं लेता था, अब तो लेने भी लगा। थोड़ा बहुत तो लेता हूँ, पापा बोलते हैं तो लेता। ठीक है, बाय। क्या चाहिए, आओगे इधर? कौन आया? क्या हो गया? देखो कोई कुछ नहीं कर रहा, आपको प्यार कर ले सब। एक अब डन, तो अभी मैं अपना कर लेती हूँ हेयर और फिर आउटफिट। कैसा लग रहा है आप सबको मेरा मेकअप, जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। क्या हुआ, क्या चाहिए? वेट है मेरे हेयर, या यहाँ से मैं सोच रही हूँ ऐसे ही रखूँ जैसा अभी है, ऐसे भी मुझे अच्छे लग रहे हैं। देखती हूँ मैं क्या करती हूँ, हेयर कट कर दिया, फिर आगे के भी थोड़े थोड़े, अरे ज़्यादा ही हो गए कुछ, इसलिए ऐसे दिख के आ रहे हैं अब, मुझे अच्छा लग रहा है। हेयर रेडी है, मैंने बहुत सिंपल से स्ट्रेट किए हैं, कुछ खास नहीं किया है, कर्ल्स वर्ल्स इस बार नहीं किया है, मुझे सिंपल ही रखना है स्ट्रेट। और जितने भी एक्सेसरीज और ये सब पहन लेती हूँ और फिर मैं आप सबसे एक साथ मिलती हूँ रेडी होती है। कैसा लगा आप सबको मेरा इस बार का ईद लुक, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैंने आज काजल भी लगाया काफी टाइम बाद, मैंने कुछ सोचा नहीं आज के लुक के बारे में, वो जो समझ में आया कर दी गई, ये फाइनल लुक। तो जब ये आई थी तो हमसे बहुत ज्यादा डरी थी क्योंकि इसको लग रहा था हम इसको मारे ना, बट फिर उसने बाद में अपना असली रूप दिखाया और सबको पीटा। माँ मेरे लिए क्या क्या लाए, यमी यमी चीजें, इतनी लेट हुआ बट कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा क्योंकि मैं थोड़ा ही खाती हूँ। अभी तक मैंने कुछ नहीं खाया है सुबह से, मम्मी जस्ट मेरे लिए ये सब लाए, अभी दही बल्ले भी ला रहे हैं, मुझे अभी तक ईदी भी नहीं मिली है, तो अभी मैं जाऊंगी खा पी के अच्छे से मेरे अंदर एनर्जी ला के अच्छे से ईदी मांगूंगी। मम्मी काम कर रहे बेचारे, सुबह से लगे पड़े कुछ ना कुछ। थैंक यू मम्मी, सुबह से कितनी सारी चीजें बना रहे हैं और मुझे उनमें उनको देख के थक गई कि बाप रे कितना काम कर रहे वो बेचारे, और मैंने भी उनकी हेल्प की थी सुबह, इसलिए मैंने सुबह ना काम किया था लेट तक, इसकी वजह से मैं लेट रेडी हुई और फिर लेट सब कुछ हुआ, इसलिए अभी आप सब देख सकते हो अंधेरा हो गया है और मेरी ईद अभी भी चल रही है। अभी नुमान और सब लोग ना उनकी फैमिली नानी घर चले गए थे, तो नानी घर से वापस आ रहे हैं नानी के साथ, आप सबको उन सबसे मिलवाऊंगी जब वो लोग आएंगे। ईद का पहला शीर कोरमा जो मैं सुबह से रात, कितने बज रहे हैं अभी, 8 बज रहे हैं, 7:45 हो रहे हैं और सुबह से लेके अभी मैं जाके शीर कोरमा खा रही हूँ। बहुत टेस्टी है, बहुत टेस्टी है। मेरी मेहंदी देखो रच रही है, स्लो डार्क हो रही है, अभी काफी डार्क हो गई, सुबह इतनी नहीं थी, ये तो खराब हो गई थी रात को ही, पर अच्छी लग रही है मुझे जो भी है। छोले चने पता नहीं क्या, छोले मम्मी बताए थे बहुत तीखे बन गए, बहुत तीखे है बट बहुत टेस्टी है, चटपटे। मैं आप सबको रिव्यू दे रही हूँ एक एक आगे। ये एक और है, क्या ये छोले पता नहीं क्या है, छोले जैसे ही है कुछ, बहुत टेस्टी है, देखने में भी लग ही रहा होगा, ये भी चटपटा है। अब ज्यादा दही भल्ले तो और भी बनाया मम्मी ने चीजें, ये चार मुझे मैं खाती रहती हूँ, और मीठा है अच्छा है, बहुत टेस्टी है। आप सबको पता है मुझे मीठे से ज़्यादा तीखा पसंद है, तो मैं तीखा खाती हूँ। ये स्टारलाइट कितनी अच्छी लग रही है ऐसे कैमरे पे साइड में, अच्छा है मैंने इधर लगा दिया, मियाँ पे लगाया था ना तो बहुत ज़्यादा लाइट लाइट लाइट, तब अच्छा लग रहा था, बाद में मुझे बोर हो गया कि नहीं अच्छा नहीं है हटा दो।
तुमने हटा दिया। हाँ मैं देखती हूँ। अस्सलाम वालेकुम नानी, ईद मुबारक। ईद मुबारक। मैं भी आऊंगा। गले मिल रहा है क्या नानी? ईद मुबारक। देखो मेरी नानी आई कितने दिन बाद। नानी सबको सलाम कर दो। हम सलाम करें? हाँ आप सलाम करो। अरे उन लोग को सलाम करना है आपको। अच्छा अस्सलाम वालेकुम। मजाक नहीं उड़ा रही बट वो हंस रहे हो सलाम करने में भी। नानी कैसे हो? कैसे गए आपकी? अच्छी गई? क्या क्या किया? बहुत कुछ किया। क्या किया? क्या बनाया आपने? दही भुर्जी बनाई, मटर बनाई और सिमई बनाई, पापड़ बनाए, सबको मोहल्ले में बंटवाए। लो बांट भी दिया। आपका तो कितना लेट बना। सीखो अपनी मम्मी से कुछ। सुबह हमारे 8 बजे बन गया। जो है ना अलग वाला बनता है, स्पेशल वाला। मैं कैसे दिख रही हूँ? आउटफिट कैसा दिख रही है? ये ड्रेस अच्छी, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। और नुमान, नुमान कैसा दिख रहा है? आज तो उसके जूते नहीं उतर रहे, वो शूज पहन के ही रखा है। ये लो दीदी। नहीं नहीं अरे लो छोटी माँ। हाँ ये वो। नहीं नहीं ये लो। नहीं पैसे दे तो मैं जेब में रख के रखे भूल गया था। नहीं नहीं अरे लो दीदी, ये तुम्हारी नानी दीदी नहीं। नहीं अरे लो ले ईदी लो, तुमने रोते रखे हैं सब लो। हाय लिली। अम्मा क्या चल रहा है? और ये धनिया सब वहाँ क्यों रखे आपने? अच्छा बता, लगती है मेरी मम्मा नानी की तरह दिखती है? बताओ आप। मैं पापा की तरह दिखती हूँ, अम्मी की तरह नहीं दिखती। हाय लिली। हाय आती नहीं है बहुत, मैं जल्दी। हाय ये रही हमारी नई मेहमान लिली। जब आई थी मम्मा कितनी हल्की सी थी और अभी देखो माशाल्लाह से कितनी पतली थी। अभी थोड़ी पतली थी और इसके बाल भी अजीब थे और आपने शावर दिया तो बाल अच्छे हुए। कौन हो गए एकदम नॉट्स नॉट्स थे उसके बाल में वो। ये मम्मी का खाना खा रही है। नुमान जा रहा अभी चेंज करने बिकॉज उसको बहुत ज्यादा स्वेटिंग हो रहा है। वो बाहर से आया कितनी सारी मेहनत करके, कितना सारा ट्रैक्टर और पता नहीं क्या क्या चला के आया जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा थक गया है। यहाँ कौन है? हाय मिमी। छुप के बैठी है। यहाँ पे बात कर रहे हैं चुप चाप। यहाँ वहाँ की वहाँ पे लिली खाना खा रही है। मिमी का खाना खा रही है वो। कितनी खाने की बोरी खोलने के लिए लाई ना उसका वो। पता कहाँ बैठी थी? कहाँ? देखो यहाँ बैठी थी। हाँ। कि अगर जब आएगी तो मैं नीचे घुस जाऊंगी। पता है वो मम्मी और ओरियो कितना डरते हैं लिली से। मम्मा इतना डरते हैं कि जब मम्मी को मारती है, मम्मी को भी मारती है बेचारी। हम उसका खाना ऊपर रखा है तो अपना छोड़ के उसका खा लेंगे। नहीं मम्मा, हम लोग पहले मम्मी को इतना बदमाश समझते थे और जब से अभी लिली आई है, लिली आई है जब से लिली बोलती है मम्मा उसको कि इससे बदमाश कोई है ही नहीं घर में। वो देखो वहाँ छुप के बैठी है, ज्यादा परेशान करती है सबको। दबाई थी और अभी देखो कितनी साफ हो गई, कितनी प्यारी दिख रही है। आपके घर भी गई थी? और क्या, छोटे लोग ईद ही नहीं देते बड़े लोग को। क्या मैं दूँ? अरे नहीं मैं ऐसे ही पूछ रही हूँ। हाँ मैं आपको भी दे दूंगी पर फिर ज्यादा देना पड़ेगा मुझे आपसे। ऐसे ही होता है ना, जो देते हैं उससे ज्यादा देते हैं। ऊपर खाने के बासी खाना। वो देखो इतना डर रहा है लिली से कि वो फ्रिज के ऊपर बैठ के खाना खा रहा है। बड़े लोग नहीं देते हमें कि तुम क्या में देने को ज्यादा मिल गए हैं लिली से डर के। आल देखो पीछे कैसे निकल रहा है। ऐसे बांध लिया मम्मी के लिए चला। ये नहीं है मम्मी दी। नहीं नहीं इतने सारे, बाप रे इतने सारे लाई हूं मैं सेट तुम्हारे लिए। नहीं मुझे ये दी नहीं चाहिए। और कौन सी दी चाहिए?
रोकड़ा रोकड़ा कल दिया रोकड़ा रोकड़ा हाँ कल और कुछ भी गिफ्ट मिला है तुम्हें एक्सेसरीज इतना और पैसे और भी कुछ गिफ्ट अच्छा वो दो तीन थप्पड़ मारे उसको थे नानी मैं जब छोटी थी ना तो मेरे बाल भी ऐसे आपकी तरह ऊपर आते रहते थे अभी बड़े हो गए तो नहीं आते पर फिर भी छोटे छोटे आते रहते बेबी है मम्मी के भी आते रहते इधर इधर सबके खानदानी खुद ही बैठा ना वो खुद ही बैठती है मुझे लगा वो जाएगी वो देखो डर के ऊपर बैठ गया हाँ मम्मी पे ही है देखा मैंने मीमा क्या हुआ मैं बच्ची को डरा रही है वो हाँ मैं आपके साथ कुछ नहीं करेगी देखो प्यार कर लो उसने नहीं देखा मम्मी को हाँ देखो कैसे क्या हाँ देखो कैसे क्या देखो उसकी पूछ पकड़ेगी देखने उसने मुझे भी मार रही थी थप्पड़ मैं मम्मी को बचाई ना आपने खाना खाया नानी क्या खा के आए खीर कुरवाई है सब नानी मैंने लगाई मेहंदी मम्मा की अच्छी लग रही है ना मम्मा मैं रात लगाई मैं क्या किया आपने ये देखो ये मैंने मेहंदी लगाई थी मम्मा को परसों रात को और सीधा उल्टा करो मम्मा वो नहीं वो वाला हाथ का ये देखो ये बताओ आप लोग कैसे लगाई मैंने मम्मी आपको कैसे लगी मैंने भी लगाई देखो मैं लेफ्टी हूँ राइट हाथ से नहीं लगा सकती तो मम्मी ने कैसे क्या किया हाथ ये देखो चलो राउंड तो ठीक था ये तो सब लगा रही ये क्या कर दिया आपने 8-9 साल बाद लगाई मैंने भी खुद बहुत साल बाद लगाई किचन में खराब गई थी मेरी मेहंदी और फिर डांट खाया था पता है मम्मा ने क्या किया मैंने मम्मा को बोला कि मम्मा को बोला कि मेरे को गुंथी भी इधर से उधर नहीं होनी चाहिए कितनी देर में उसने एक गोला बनाई राउंड होना चाहिए अरे मैंने कहा छूट गई तो लगा दो तो हल्का सा ऐसे हो गया तो पूरी दौड़ा ली हाँ तो मम्मी ने खराब कर दी थी ना थोड़ी इधर उधर कर दी थी देखो इनकी वजह से मेरे इधर का खराब भी हुआ था यहाँ पे लग गया था मेरे को ना एकदम परफेक्ट चाहिए राउंड है तो अपर राउंड चाहिए थोड़ा भी इधर उधर हुआ ना तो मुझे गुस्सा आया मैंने पूरा और नहीं मम्मी भी मुझे गुस्सा आया मैंने पूरे हाथ की दोनों मेहंदी धोनी गुस्सा आया तो मैंने दोनों हाथ धो दिए और फिर वापस लगा ली पता नहीं फिर मैं पछता रही थी मैं मम्मी के पास क्यों आई लगवाने मैं खुद ही इतनी अच्छी लगा के बैठी थी खराब करवा दी मम्मी से ये देखो मैंने ना ऐसे जूड़ा बना दिया नॉट बांध दिया जो कि बंद में नहीं रहता भी नानी की तरह बाल ऐसे से हो रहे पास नहीं आए So, ये सब मम्मा मेरे लिए ईद से पहले लाए थे और अभी कह रहे हैं कि तुमको तो तुम्हारी ईदी मिल गई अब नहीं मिलने वाली ईदी मजाक करी उन्होंने मुझे ईदी भी दी और ये सब वो मेरे लिए लाए थे जो कि बहुत ज्यादा सुंदर है आप लोगों को कैसे लगे मुझे जरूर बताना अस्सलाम वालेकुम ईद जहान ईद मुबारक ईद मुबारक अरे वाह ये देखो ईद मुबारक अरे वाह हाँ हाँ ये बोलता रहता है अरे वाह आप तो बहुत प्यारे दिख रहे हो आप तो बहुत प्यारे तो पजामा पहना था बहुत क्यूट दिख रहे हो आप ने बोल दिया क्यूट दिख रहा था बहुत क्यूट लग रहे टोपी लगाए थे नमाज पढ़ने हाँ भी बोल रहे ये देखो आपको कैमरे पे देख रहे हैं मम्मा पकड़ रही है ना कि क्या चल रहा है जी हाँ अच्छे लग रहे हो आप नुमान सुबह आया था चला गया उसके अच्छा ओह माय गॉड फाइनली उसके जूते उतर गए मैंने और शूज ही नहीं उतार रहा था बादल पहन के पता है नहीं क्या अभी नहीं चेंज किया बोल के गया मैं चेंज लग रही है क्या कल नहीं कटा इसके कल ही तो कर रहा है आपको ही देख रहा है मम्मा जोन
आपको ऐसा ऐसा देख रहा हूँ। अरे अम्मी उस टाइम बोली जोहान ऐसा चीख क्यों होया है, पता नहीं क्यों डर गया, क्या होती है दिमाग से बोलने ना जोहान। हेलो हेलो, सबको ईद मुबारक कर दो। ईद मुबारक बोलो। छोटी पाई ईद मुबारक। वो देख लाइट दे रहे हाँ। सुबह तूने दी थी वही तो है ये वही तो है। मैंने उसको रखने के लिए दी थी, मैं शूट कर देती हूँ। छोटी माँ की ईदी भी दे आया। अरे वाह, मुझे ईदी दे रहे हो। अरे वाह, थैंक यू। दो तो अभी नहीं देना, तो मैं नहीं ले रही। बेमन से दे रहे हो ईदी देते ना उसको 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 वो देगा उसको दे और मुझे दे उनको दो मुझे खा हर चीज खाने के लिए चाहिए बस ले ली मैंने। अंधेरे से भी तो डरते हैं। इसका ये बहुत क्यूट लगता है इधर। नानी का चश्मा देख रहे हैं तो दो दो दिख रहे हैं, दो नुमान अभी तीन नुमान दिख रहे थे। काजल लगाया, अच्छा लगा। मैं वैसे नहीं लगाती कभी। आप लोग ने खाया शीर कोरमा मामी? शीर बनाया है मगर अभी हमने खाया नहीं। तो मम्मा आप खिलाओ उनको। ला रही हूं। ता सारा बाप रे, क्या शीर कोरमा मम्मी ने बनाया। और ये रे, खोल के रखा मम्मा। चने छोले है ये, छोले मटर छोले चटनी उसका ही है। वो वही बैठते हैं उस पे। अभी इसके साथ खेलेंगे। अभी थोड़ा टर्न होने लगा है ना मामी। अभी देखना जोहान। पहले कितना तेज से हंस रहा था। बच्चा नहीं बचा। छोले बनाए देखो टेस्टी है। टेस्टी है सुन के बताए टेस्टी है। मेरी मम्मा आपके मम्मा को पूछ रहे छोले को सुन के बताओ टेस्टी है कि नहीं। बाय बाय। सो गाइस, अब मैं करती हूँ अपना व्लॉग एंड। और ये था मेरा आज का व्लॉग। कैसा आ रहा है देखो तो, कैसा आ रहा है। अब मैं जाती हूँ, मेकअप रिमूव करती हूँ, आराम करूंगी, मैं टीवी देखूंगी, खाना खाऊंगी शायद, क्योंकि मेरा पेट ऑलरेडी भरा हुआ लग रहा है। और फिर उसके बाद सो जाऊंगी। सो फिर सुबह उठेंगी, डेली रूटीन करेंगी, फिर डेली रूटीन हाँ सही। डेली का रूटीन, डेली का रूटीन फॉलो करूंगी और फिर वापस सो जाऊंगी। सोना खाना उठना सोना उठना खाना सोना यही चालू है। सो गाइस, ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आप लोगों को मजा आया होगा और आप लोगों ने हमारा ईद का जो ब्लॉग है उसको एंजॉय किया होगा। हम लोगों को बहुत ज्यादा मजा आया आज का वीडियो बना के। ईद मुबारक। So I hope you like this video. If you like this video, do like, share, comment, and don't forget to subscribe my YouTube channel. Bye, guys. Bye. Love is love. Ta-da. Ta-da. Bye. Bye. Bye.